Today I'll be explaining you first chapter in Golden Rays, and the first chapter is The Book That Saved the Earth. It is actually a play, and before explaining you the chapter, let me explain you the summary. This is a play. The Book That Saved the Earth is full of imagination. In it, the different characters, इस प्ले में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, नाम है थिंक टैंक, नूडल, ऊप, ओमेगा एक्सेट्रा. ये सारे इस प्ले के या नाटक के पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं. दे प्ले एज द मार्शियन लिविंग बींग्स, और ये मार्स जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, तो मार्स प्लैनेट पे रहते हैं ये लोग. द टाइम सेट ऑफ द प्ले इस 25th सेंचुरी, और ये जो नाटक जो इन्होंने किया है दैट इज इन 25th सेंचुरी. द प्ले टेल्स अस इन डिटेल एज हाउ द बुक सक्सेसफुली सेव द अर्थ फ्रॉम मार्शियन इन्वेजन. और ये जो प्ले है, इस नाटक में ये बताया गया है कि कैसे एक बुक की वजह से जो प्लैनेट अर्थ है सोलर सिस्टम में, अर्थ प्लैनेट को बचा लिया गया किससे, मार्शियन इन्वेजन से. मार्शियन इन्वेजन मीन्स ये जो लोग मार्स पे रहते हैं, मार्स प्लैनेट से, तो उन्होंने अर्थ पे अटैक किया था, और उस अटैक को बचा लिया गया. किसने बचाया? बुक ने. इसलिए चैप्टर का नाम है द बुक दैट सेव द अर्थ. थिंक टैंक हु इज द माइटीएस्ट एंड द मोस्ट ब्रिलियंट अमंग ऑल द मार्शियन इज द कमांडर इन चीफ. और मार्स प्लैनेट का कमांडर इन चीफ है, उसका नाम है थिंक टैंक, और उसको बहुत ही माइटीएस्ट मीन्स पावरफुल बताया है, बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रिलियंट बताया गया है. थिंक टैंक कंडक्ट्स द मैन्ड स्पेस प्रोब इन ऑर्डर टू आस्क देम देयर पोजीशन. और थिंक टैंक एक क्या कर रहा है, वो एक इंस्पेक्शन करता है अर्थ की, और लोगों को स्पेस के द्वारा यहाँ भेजता है इन ऑर्डर टू आस्क देम देयर पोजीशन, और पूछता है कि कहाँ है अभी वो, उनकी पोजीशन के बारे में पूछता है. एट दिस थिंक टैंक आस्क देम टू शो हिम द प्लेस क्लोजली. और जो लोग अर्थ पे आए हुए हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उनसे कहता है कि इस जगह को मुझे बहुत ही पास से दिखाओ. इन फैक्ट देवर इन लाइब्रेरी फुल ऑफ डिफरेंट बुक्स. और एक्चुअल में जो उसने यहाँ पर भेजे हैं अर्थ प्लैनेट पे, तो वो कहाँ पर है, अर्थ की लाइब्रेरी में. एक जगह पर लाइब्रेरी है, वहाँ वो लाइब्रेरी पूरी बुक से भरी हुई है, वहाँ वो खड़े हुए हैं. बट दे फेल टू अंडरस्टैंड वेयर दे वर. लेकिन उन लोगों को समझ ही नहीं आता है कि अर्थ पे हम ये ऐसी कौन सी जगह पर खड़े हुए हैं, तो वो बता ही नहीं पाते हैं ये कौन सी जगह है. देन थिंक टैंक ट्राइज टू शो हिज इंटेलिजेंस एंड टेल्स हिज क्रू दैट द थिंग इन क्वेश्चन वॉज अ सैंडविच. और थिंक टैंक बताने की कोशिश करता है, अपनी इंटेलिजेंस बताने की कोशिश करता है, और जो क्रू मेंबर्स हैं, जिन लोगों को उसने भेजा है वहाँ अर्थ पे इन्वेड करने के लिए, तो उनको कहता है कि द थिंग इन क्वेश्चन, जो वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि क्या चीज़ है, तो वो कहता है कि ये एक सैंडविच है. जहाँ वो पहुँचे वहाँ बुक को शो कर रहे हैं वहाँ के जो इन्वेडर्स वहाँ पहुँचे हैं उसके क्रू मेंबर्स, तो कह रहा है कि बुक को क्या कह रहा है थिंक टैंक, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ है, और कह रहा है कि ये एक सैंडविच है. Then one of the crew members even eats the corner of a book. और उन तीन लोगों को उसने भेजा हुआ है अर्थ पे इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उनमें से एक क्रू मेंबर उसको इवन बुक को खाता भी है कॉर्नर को. To confirm the views of think tank. और क्यों खाता है? क्योंकि think tank कहता है कि ये एक सैंडविच है, और वो उसको बाइट करके भी दिखाता है. After some time, Noodle suggests think tank that it was not for eating. और फिर नूडल कौन है, थिंक टैंक का उसको हेल्प करने के लिए अप्रेंटिस है, उसका नाम है नूडल. तो वो थिंक टैंक को कहता है कि नहीं, ये खाने की चीज़ नहीं है, बट फॉर कम्युनिकेशन विथ ईयर्स. और कहता है कि बुक्स जो है वो खाने की चीज़ नहीं है, बट क्या है, ये कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, तो उसको कान पे लगाने के लिए कहता है. आफ्टर सम टाइम नूडल अगेन सजेस्ट थिंक टैंक दैट इट वॉज नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन बट फॉर आई कम्युनिकेशन. और फिर नूडल थोड़ी देर बाद वापस उसको थिंक टैंक को सजेस्ट करता है कि ये जो बुक्स हैं ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है बट फॉर आई कम्युनिकेशन. तो ये एक समरी बताई है
और नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द चैप्टर. सी आई टोल्ड यू दैट दीज आर द कैरेक्टर्स इन दिस प्ले. हिस्टोरियन है एक, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है जो कि मार्स प्लैनेट का पावरफुल किंग है. अप्रेंटिस नूडल उसको जो हेल्प कर रहा है. देन कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ऊप, इन तीनों को वो अर्थ पर इन्वेड करने के लिए भेजता है थिंक टैंक. और दूसरी क्या आ रही है, वॉइस आ रही है ऑफ स्टेज, क्योंकि प्ले है ना ये. तो जो फर्स्ट सीन बताया है प्ले का, टाइम बताया है 25th सेंचुरी है, और जगह क्या बताइए, म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ. कौन सी जगह बताइए, एक म्यूजियम बताया है, एंशियंट हिस्ट्री का म्यूजियम है, और 20th सेंचुरी में जो अर्थ पर डिपार्टमेंट था एंशियंट हिस्ट्री का, वहाँ का म्यूजियम बताया है. बिफोर राइज इस प्ले है ये, स्पॉटलाइट जो है शाइन होती है हिस्टोरियन के ऊपर. स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन. हिस्टोरियन मीन्स जो ये प्ले का पूरा बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था. हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट, और हिस्टोरियन कहाँ बैठी है, टेबल पर बैठी हुई है. ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, और उसके सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ है टेबल पे. अ साइन ऑन एसएल बिसाइड हर रीड्स म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी. शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, और ये हिस्टोरियन जो है जहाँ बैठी है वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है. एसएल मीन्स एक वुडन फ्रेम जिसके ऊपर कोई भी पिक्चर लगाया है या नाम लिखा हुआ है. क्या लिखा है, म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, ये पूरा लिखा हुआ है उस बोर्ड के ऊपर. और अब हिस्टोरियन जो खड़ी होके ऑडियंस को ग्रीट करती है, बो करती है. हिस्टोरियन क्या कह रही है, सबको विश कर रही है, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माई डिपार्टमेंट. और वो सबको ग्रीट करके वेलकम कर रही है और अपने डिपार्टमेंट में वेलकम कर रही है सबको. और उसका डिपार्टमेंट जो है वो कैसा है, क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी. और यहाँ पर बहुत सारी क्यूरियोसिटीज, लोगों को जानने की इच्छाएं होती है क्या हुआ है. तो ऐसा ये 20th सेंचुरी का डिपार्टमेंट है. द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक, और 20th सेंचुरी को जनरली क्या कहा गया था, इरा. इरा मीन्स युग, किताबों का युग बताया गया है. इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंट ईटर्स टू जुलूस, और उस समय में 20th सेंचुरी में बहुत सारी बुक्स हुआ करती थी एंट ईटर्स से लेके जुलूस. जुलूस इज अ साउथ अफ्रीकन रेशियल ग्रुप, काइंड ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल. तो हर तरह की बुक्स अवेलेबल होती थी, इसलिए उसको इरा ऑफ बुक कहा गया है 20th सेंचुरी को. बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड वेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू. बुक्स जो है लोगों को हर तरह की चीज़ें बताती हैं कि कहाँ, कब, कैसे, क्यों. दे इलस्ट्रेटेड, एडुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड. और बुक्स जो थी उनमें क्या होता था, इलस्ट्रेटेड मीन्स उनमें पिक्चर्स वगैरह होते थे या कोई ग्राफिकल डायग्राम्स वगैरह होते थे, और लोगों को एडुकेट करती थी, पंक्चुएशंस होते थे उसमें, और इवन बुक्स जो है डेकोरेटेड होती थी. बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, और सबसे स्ट्रेंज जो चीज़ थी कि बुक की वजह से अर्थ को बचा लिया गया अटैक से. मार्स के लोगों ने अटैक किया था अर्थ पे, और एक बुक की वजह से अर्थ पे अटैक होने से बच गया. यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040, और वो क्वेश्चन पुटअप कर रही है कि आप लोगों ने सुना नहीं, मार्शियन जो मार्स के लोग हैं उन्होंने इन्वेड किया था, अटैक किया था 2040 में. वॉट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ ए डेज, और वो आजकल बच्चों को पढ़ाते क्या हैं, ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर रही है हिस्टोरियन. वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपन, और वो बता रही है कि अटैक तो कभी हुआ ही नहीं था क्योंकि एक सिंगल बुक ने उसको रोक दिया. वॉट वॉज द बुक यू आस्क, अब आप पूछेंगे सब कि वो कौन सी बुक थी, क्या वो एक एनसाइक्लोपीडिया थी. एनसाइक्लोपीडिया मीन्स ऐसी बुक जिसमें बहुत सारी नॉलेज, हर तरह की नॉलेज उसमें होती है, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया. अ टोम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, टोम मीन्स लार्ज बुक जिसमें रॉकेट्स मिसाइल्स के बारे में बताया गया है. या अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या कोई सीक्रेट फाइल है स्पेस के बारे में. नो इट वॉज नन ऑफ दीज दोज, ऐसी कोई वो बुक नहीं थी. इट वॉज बट द हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरियोस्कोप,
और क्या कह रही है वो हिस्टोरियन कि मुझे तुमको बताने दो हिस्टोरियोस्कोप के द्वारा। हिस्टोरियोस्कोप क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस जो कि आपको पास्ट में क्या हुआ था कहीं पर भी वर्ल्ड में उसके बारे में बताता है, एक्चुअली क्या चीज़ हुई थी। तो उस इंस्ट्रूमेंट की तरफ टर्न होती है और कहती है कि मैं तुमको हिस्टोरियोस्कोप से एक्सप्लेन करती हूँ, एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो, और बताती हूँ कि क्या हुआ था सदियों पहले इन 2040। और वो प्रोजेक्टर को ऑन करती है और पॉइंट्स इट लेफ्ट, स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, हिस्टोरियन के ऊपर अब लाइट नहीं है, एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक। अब स्पॉटलाइट किसके ऊपर आ गई है? थिंक टैंक के ऊपर। थिंक टैंक कौन है? मार्स प्लैनेट का माइटी कमांडर इन चीफ, हु इज सीटेड ऑन ए रेस बॉक्स आर्म्स फोल्डेड। थिंक टैंक कहाँ बैठा हुआ है? एक ऊंचा सा बॉक्स है उस पर बैठा हुआ है, अपने हाथ को फोल्ड किए हुए। ही हैज अ ह्यूज एग शेप्ड हैंड रिंग, और उसका जो हेड है वो एग शेप ओवल शेप में है। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्कल्स, और उसने जो ड्रेस पहनी हुई है, रोब मीन्स ड्रेस, उसके ऊपर स्टार्स और सर्कल्स बने हुए हैं। अप्रेंटिस जो कि उसको हेल्प करने वाला है, डिसाइपल जिसको कह सकते हो आप, गुरु और शिष्य, तो ये अप्रेंटिस जो है शिष्य है थिंक टैंक का। अप्रेंटिस नूडल, उसका नाम है नूडल, स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन एलैबोरेट स्विच बोर्ड, उसके पास खड़ा हुआ है, ऊंचा सा स्विच बोर्ड है वहां पर। अ साइन ऑन एसल रीड्स, और उसके पास भी एक बोर्ड रखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, मीन्स वो जो एरिया बताया है ये मार्स का बताया है, मार्स प्लेनेट का ये कंट्रोल रूम है, और उसका नाम लिखा हुआ है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ।